हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और भाई आज की इस वाली वीडियो में स्कॉर्पियो एन के वेरिएंट की सारी डिटेल्स बताने वाला हूं। आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो गाइस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पता नहीं गाइस आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपने सबसे बेस्ट वेरियंट की, Z2 वेरियंट की। तो ये वेरियंट आपको पड़ेगा 11,99,000 का, मैनुअल ट्रांसमिशन में आएगा और 7 सीटर इसकी स्पेस होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसके की फीचर्स की। तो इसमें टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, सेकंड रो में एसी वेंट्स मिल जाएगा बेस वेरिएंट से ही, और एलईडी टेल लैंप मिलेगा। पीछे वाला जो एलईडी सेटअप है वो तो रहेगा ही, एलईडी टर्न इंडिकेटर मिलेगा और पेंटालिंग सस्पेंशन मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं अपन इसके Z4 वेरिएंट की। 13,49,000 का ये वेरिएंट आएगा और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगा। 7 सीटर इसकी सीटिंग कैपेबिलिटी होगी। और की फीचर्स की बात करें तो Z2 में जो अपडेट्स है वो तो इसमें होंगे ही। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा हो जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले का इसमें सपोर्ट आ जाएगा और क्रूज कंट्रोल भी इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा Z4 वेरिएंट से। अब आता है Z6 वेरिएंट पे। डीजल वेरिएंट ही रहने वाला है। 14,99,000 इसकी एक शोरूम प्राइस है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये आएगा और 7 सीटर की इसकी कैपेसिटी भी 7 सीटर ही होगी। अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स की। तो भाई जो Z4 में आ रहा था वो तो इसमें रहेगा ही। इसमें सनरूफ ऐड हो जाएगा, जो मतलब इंडिया का फेवरेट फीचर है सनरूफ, वो इसमें आने लग जाएगा। हालांकि इसमें छोटा ही आता है पर इसमें आने लग जाएगा। एडिनो एक्स इनबिल्ट आ जाएगा विद एलेक्सा सपोर्ट, और इंफोटेनमेंट सिस्टम में नेविगेशन भी इनबिल्ट आ जाएगा, और एलेक्सा 3-word इनेबल एलेक्सा भी इसमें ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं गाइस इसके Z8 पेट्रोल वेरिएंट की। तो ये अपन को पड़ेगा 16,99,000 और एक शोरूम। मैनुअल ट्रांसमिशन रहेगा, 7 सीटर भी इसकी कैपेबिलिटी रहेगी। अब बात करते हैं इसके कुछ की फीचर्स की। तो दोस्तों जो Z6 में था उसके साथ साथ इसमें रिच कॉफ़ी ब्लैक लेदर इंटीरियर आ जाएगा और पुश बटन स्टार्ट आ जाएगा। 6 एयरबैग इसमें ऐड हो जाएंगे। डुअल बैरल LED इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं इससे एक वेरिएंट अप की, Z8L पेट्रोल वेरिएंट की, जो लग्जरी लाइन है वो उसकी, वही 7 सीटर इसकी कैपेबिलिटी रहने वाली है। और Z8 के साथ साथ इसमें पावर सीट्स आ जाएगी ड्राइवर साइड में। 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम सोनी का आ जाएगा और इसमें ड्राइवर ड्राउजीनेस डिटेक्शन भी आ जाएगा, जो कि काफ़ी मतलब व्यवस्थित फीचर है, अच्छा फीचर है, क्योंकि भाई कभी कभार लॉन्ग ट्रिप पे नींद भी आ रही होती, उसके हिसाब से भी अच्छा है। फ्रंट कैमरा आ जाएगा इसमें, जो कि मतलब बढ़िया बात है। फ्रंट कैमरा भी जैसे बहुत बड़ी गाड़ी है, मैं देख के आया हूँ पर्सनली शोरूम पे, गाड़ी बहुत बड़ी है और पतली जगह पे इसको घुमाना आसान काम नहीं है, टास्क अच्छा खासा है वो भी। अब बात करते हैं इसके Z8L 6-seater वेरिएंट की। तो भाई इसमें 6-seater होने वाली है। लग्जरी लाइन में जो है वो तो रहने ही वाला, बस इसकी सीटिंग कैपेसिटी 6-seater हो जाएगी। तो गाइस आपको अभी तक तो पता चल गया होगा, मेरे हिसाब से इसमें जो मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है वो Z6 वेरिएंट है। उसमें भाई मॉडिफिकेशन भी करा सकते हैं और सनरूफ भी आ जाता है उसमें, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। 4x4 उसमें आ ही जाता है, 4 एक्सप्लोर मोड इसका स्कॉर्पियो एन का है वो उसमें आ ही जाएगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई कुछ सजेशन हो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो वो भी आप कमेंट्स में दे सकते हैं। थैंक यू।